कन्या उत्थान योजना 2022 के तहत जो भी बच्चे 2018 से लेकर 21 के सेशन के थे उन सभी बच्चों का जो 2022 में रिजल्ट निकला है उनका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। पूरी के प्रक्रिया मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ में अगर 2017, 18, 19, 20 वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों का अगर किसी कारण से छूट गया था या फिर अभी तक आप लोगों का स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है कन्या उत्थान योजना, तो आप लोगों के बारे में भी मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। 16-19 वाले बच्चों के बारे में भी मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। साथ में मैं आप लोगों को बता दूँ, आप वीडियो पे पूरा बने रहिए। आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज रखा गया है जो मैं वीडियो के आखिरी में बताने वाला हूँ। और स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हर प्रकार की आपको हेल्प की जाएगी। कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन अगले महीना से स्टार्ट होगा, लेकिन जो बच्चे पहले ऑनलाइन कराए हुए थे उन काफ़ी बच्चों का नहीं आ पाया है। मैं आप लोगों को गूगल पे ले जाके दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस आप लोग करिएगा ताकि आप लोगों का फिर से आवेदन सक्सेसफुल हो जाए और आप लोगों का पैसा आ जाए। देखिए 2018 और 20 के बच्चे जो है वो बच्चे 2021 में पास आउट किए हैं, वो बच्चे आवेदन कर सकते हैं अभी भी। थोड़ी सी जानकारी मैं पेपर में पढ़ के बता देता हूँ, आगे की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को गूगल पे जाके बता दूंगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ पाने के लिए नए सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन आवेदन नवंबर माह से किया जाएगा। स्नातक 2018 से 20 जिनका शस्त्र था, जो 21 में आप लोगों का रिजल्ट निकला था, पास आउट किए थे, उन बच्चों का आवेदन करना स्टार्ट कर दिया गया है। नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, पुराना वाला सॉफ्टवेयर क्रॉप्ट होने के कारण आप लोगों को नहीं मिल पाया था। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार से आप लोगों को 50,000 रुपया मिलेगा। जो अब बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, जो 18-20 के सेशन वाले बच्चे थे उन लोगों को 50,000 रुपया मिलेगा। और पहले वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को 25,000 रुपया निर्धारित किया गया था, वो 25,000 रुपया काफ़ी बच्चों को मिल चुका है और काफ़ी बच्चों को अभी तक नहीं मिल पाया है। तो मैं आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप लोग क्या करिए ताकि आप लोगों को 25,000 रुपया का लाभ मिल सके। थोड़ी सी प्रॉब्लम का सत्यापन नहीं हो पाया यूनिवर्सिटी में, कहीं किसी बच्चे का आधार कार्ड में प्रॉब्लम, आपका क्या प्रॉब्लम है कि आप लोगों को नहीं मिल पाया है, आप लोग ज़रूर कॉमेंट करके बताएँ। साथ में आप लोग अगर NSP नहीं अब तक अप्लाई किए हैं तो आप लोग NSP अप्लाई कर दीजिए, जिसमें भारत सरकार द्वारा 36,000 रुपया दिया जाता है आप लोगों के पढ़ने के लिए, जो 1,000 रुपया हर महीने के हिसाब से आप लोगों को पढ़ने के लिए स्कूल फीस, कॉलेज फीस, आपका कोचिंग फीस देने के लिए दिया जाता है। जैसा कि हम लोग गूगल क्रोम पे आ सक गए हैं, गूगल क्रोम पे आने के बाद आप लोग सर्च करिएगा ई कल्याण, आप लोग सर्च करिएगा, इंग्लिश में सर्च करिएगा, मेरा हिंदी हो गया है। ई कल्याण आप लोग सर्च करिएगा, स्पेस डाल के ई स्पेस कल्याण 2022 आप लोग लिखिए या ऐसे ही सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद देखिए आप लोगों के सामने ऑफिशियल वेबसाइट ई कल्याण का खुल जाएगा। आखिरी में मैं कुछ आप लोगों के लिए सरप्राइज दूंगा, तो आप वीडियो पे पूरा बने रहिए। ई कल्याण का जो साइट है ऑफिशियल साइट, यही ऑफिशियल साइट है, आप लोग ऑफिशियल साइट को खोल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए होम पेज वगैरह सब चीज़ दिया हुआ है, आप लोग पूरा डिटेल से आप लोग समझिएगा और तब जाके आप लोग कुछ भी करिएगा, कुछ भी फॉर्म भरिएगा। ई कल्याण का ऑफिशियल साइट मैं आप लोगों के सामने खोल के ओपन कर दिया हूँ। देखिए 12th वाले बच्चों के लिए भी कुछ राशि दिया गया है, जो 2021 के लिए पास आउट किए हुए थे वो आवेदन फिर से कर सकते हैं। अगर आप आवेदन नहीं कर पाए थे 2021 में, जो भी बच्चे पास किए थे 10th क्लास, वो भी बच्चे आवेदन कर सकते हैं। 2022 वाले बच्चों के लिए अभी कोई सूचना नहीं आया है। आप लोग कोई क्वेश्चन रह जाता हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिए ताकि मैं भी समझूं आप लोगों को क्या चीज़ पे जानकारी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, अगर किसी कारण से आपका नहीं मिल पाया है स्कॉलरशिप, क्या कारण है, आप लोग यहाँ पे ई कल्याण स्टेटस लिख के आप लोग जैसे ही सर्च करिएगा, देखिए आप लोगों के सामने एक वेबसाइट खुल के ओपन होगा। यहाँ पर अप्लीकेशन स्टेटस फॉर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग क्लिक करिएगा। क्लिक कर दिए, यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने दो ऑप्शन आएगा सेलेक्ट, यहाँ सेलेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखाई देगा आधार कार्ड से, आप अपने आधार कार्ड से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा अकाउंट से, आप लोग अपने अकाउंट से भी चेक कर सकते हैं। मैं अपने अकाउंट से चेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ।
यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन नंबर, अपना अकाउंट नंबर या आधार कार्ड नंबर आप लोग सर्च करिएगा तो आप लोगों के सामने खुल के चला आएगा। मैं बच्चे का नाम ढक दिया हूँ, आप लोग का नाम यहाँ पे आगे सबसे आगे मैं जहाँ पे ढका हुआ हूँ आप लोगों का नाम शो कर देगा। कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे शो कर देगा, मेल है या फीमेल यहाँ शो करेगा। आप लोगों का आधार कार्ड और जो मार्कशीट है उसमें देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर देखिए आपका वेरीफाई हो चुका है, वेरिफिकेशन कंप्लीट है। और यहाँ पर देखिए पेंडिंग अगर किसी बच्चे का आता है, एक बच्चे का कॉमेंट आया था वही बच्चे का मैं चेक कर रहा हूँ, पेंडिंग आता है तो देखिए आपके यूनिवर्सिटी के वजह से पेंडिंग आ रहा है। आप जो भी यूनिवर्सिटी में है अपना ये फोटोकॉपी, अपना अकाउंट का फोटोकॉपी और अपने एप्लीकेशन का फोटोकॉपी और अपने मार्कशीट का फोटोकॉपी लेके आप लोग अपने यूनिवर्सिटी में चले जाइए, ताकि आप लोग यूनिवर्सिटी में ले जाके जमा कर दीजिए, यूनिवर्सिटी वाले आपके वेरीफाई कर दें। सेकेंड वेरिफिकेशन हो जाएगा तो थर्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा, फोर्थ भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। और लास्ट में आप लोगों का पेमेंट का जो डिटेल होता है, पेमेंट भी आप लोगों का सक्सेसफुल आप लोगों के अकाउंट में पेमेंट कर दिया जाएगा बहुत ही तेज़ी। तो आप लोगों का उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डिटेल से समझ गए होंगे। साथ में आप लोगों के सरप्राइज़ एक रखा गया था, वो सरप्राइज़ आप लोगों के लिए है। अगर आपके छोटे भाई बहन कोई भी 10th या 12th का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में, तो उन सारे बच्चों के लिए मैं फ्री में PDF दे रहा हूँ। इस बार फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारे नोट्स को फ्री में देने वाला हूँ। इसलिए आप लोग अपने छोटे भाई बहन को मेरे चैनल का लिंक आप लोग छोटे भाई बहन को भेज दीजिए, ताकि वो लोग सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और वो लोग पूरी तैयारी इस बार बिहार बोर्ड की कर सके, जिससे वो पढ़ के आप लोग 90% से ज़्यादा नंबर आपके भाई बहन छोटे भाई बहन ला सके, 90% से ज़्यादा नंबर। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहन को, ताकि वो लोग आराम से बिहार बोर्ड की पूरी तैयारी कर सके। बिहार बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।